नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे बड़ौदा एवेंजर्स ओमेन वर्सेस बड़ौदा राइवल्स ओमेन के बीच जो होगा बड़ौदा ओमेन्स T20 चैलेंजर्स का आज का दिन का दूसरा मैच और होने वाला है दोस्तों ये सेकेंड सेमीफाइनल। तो दोस्तों, ये मैच दोनों टीम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा, तो चेजिंग वाला टीम भी प्रेशर में आ सकता है। तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको टीम जो है ना वो स्मॉल लीग के हिसाब से सेफ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग के कम्बिनेशन भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के रिस्पेक्ट में। विदाउट वॉचिंग वीडियो देख आप अगर खेलोगे तो रिस्क हो सकता है, ध्यान से वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना और अगर चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और फटाफट से जुड़ जाओ टेलीग्राम, क्योंकि बड़ौदा ओमेन्स T20 के बाद जो नेक्स्ट ओमेन्स T20 सीरीज स्टार्ट होगा उसके एक्सक्लूसिव कवरेज एंड वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल में। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल पे। तो आते हैं एनालिसिस सेक्शन में, लाइक करके स्टार्ट रखना। डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में टॉप में पिन क्यों मिलेगा लिंक में प्रेस करना है और रिडायरेक्ट होना है टेलीग्राम। दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट ना सेम ग्राउंड पे यूज हुआ है, तो ये जो पिच है ना यहाँ पे धीरे धीरे करके तो स्लो होगा, बट ये पिच कंपेयर टू अदर्स मैचेस ओमेन्स के यहाँ पे रन थोड़े से ज़्यादा बने हैं, खास करके जो स्टेट लेवल के प्लेयर्स हैं वो आपको ना अच्छा खासा रन बनाते हुए दिखाया है। तो स्टेट लेवल प्लेयर्स स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं, वो अगर प्योरेस्ट बैटर भी हुआ, स्टिल वो आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूट्रल विकेट स्पिनर्स फ्रेंडली है, 20 मैचेस हो चुके हैं, 8 बैट फर्स्ट नहीं है, चेजिंग थोड़ा एडवांटेज है 12, बट ये सेमीफाइनल मैच है, यहाँ पे प्रेशर में आ सकता है टीम। तो मेरे हिसाब से एक सेफ टीम बनाओ, ना कि चेजिंग या फिर बैटिंग फर्स्ट के फेवर में। अब देखो, बीए ओमेन से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सबसे पहला बात मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट मैच में ना इनसे हेतवी पटेल नहीं खेली थी, अगर ये खेलती है तो दोस्तों जो सानिया शेख है ये आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगी, तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। अगर हेतवी पटेल खेलती है दोस्तों तो सानिया शेख ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हेतवी पटेल नहीं खेलती है तो उस कंडीशन में सानिया शेख को लेना, क्योंकि उस कंडीशन में ये आपको बॉलिंग से पॉइंट्स दे सकती है और बैटिंग तो ये जरूर करेंगी टॉप ऑर्डर में। अगर हेतवी पटेल नहीं खेलती है तो, अगर हेतवी पटेल खेलती है तो इनके ओवर कट होंगे, लास्ट मैच में इनको 2 ओवर मिला था। दोस्तों, अद्या हिंगो मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है सानिया शेख से, क्योंकि ये ज़्यादा बॉलिंग कर रही है कंसिस्टेंटली, 2 ओवर, 3 ओवर, उससे पहले 4, फिर 1 ओवर, फिर 2, फिर 1। और जो सानिया शेख है ना, बीच बीच में ओवर नहीं करती है और 1 ओवर डालती थी, ऐसी भी थी। तो मेरी टीम का पहला चॉइस रहेगा अद्या हिंगो, उसके बाद मैं सानिया शेख को ट्राई करना पसंद करूंगा, देखते हुए हेतवी पटेल अगर खेलती है तो लूंगा, नहीं लूंगा अगर नहीं खेलती है तो गैस ले सकता हूँ। मेशवी पोकेर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का, बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकती है, डेफिनेटली आपके लिए एक गो टू पिक है और डेफिनेटली एक मस्ट पिक है जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो। 4-2-2, 4-3, अच्छा बॉलिंग है, स्पेशली लास्ट 5 मैच में इनका रोल ज़्यादा रहा है ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, अतोषी बैनर्जी 10-22-13, इनका बैटिंग थोड़ा नीचे हो रहा है, बट क्या लगता है मुझे पता है, अगर बैटिंग फर्स्ट होता है ना तो दोस्तों अतोषी बैनर्जी ना अच्छा खासा डिफरेंशियल पिक हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इनको टीम प्रमोट करेंगे 100%, 1 डाउन से 2 डाउन खेल लेंगी अगर बैट फर्स्ट होते हैं। सेकंड इनिंग्स में मैं ड्रॉप कर दूंगा। प्राप्ति रावल विकी सेक्शन में ठीक ठाक चॉइस है, चाहो तो रख सकते हो। तनवीर शेख सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट देंगी और सबका टीम का कैप्टन, मेरे भी टीम का कैप्टन रहेंगी। ध्रुवी पटेल, दोस्तों इन्होंने ना बॉलिंग अगर फर्स्ट करना है तो ध्रुवी पटेल को मिस मत करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट मैच में विकेटलेस, बट एक चीज नोटिस किया मैंने कि इस टीम से ना डेथ ओवर में बॉलिंग कौन डालता है दोस्तों, जो ध्रुवी पटेल है ना वो आपको कंसिस्टेंटली इस टीम से डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि इसका मतलब है दोस्तों ध्रुवी पटेल इंपॉर्टेंट कब सबसे ज्यादा, अगर बॉलिंग फर्स्ट होते हैं दोस्तों, बॉलिंग सेकेंड में उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगते, बट डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट में दोस्तों ध्रुवी पटेल को लूंगा मैं, क्योंकि ये डेथ में कर सकती है। लास्ट मैच में 4-25-0, बट उससे पहले 3-23-1, 4-19-1, बैटिंग से 18 रन, 4-11-1, 2.5, 3-16-1, 2.4, 4-31-0। हेतवी पटेल ग्रैंड लीग पिक है, बट फिलहाल सेफ जाने के लिए इनको ड्रॉप रोटेट कर देना बेटर होगा। तेजस्विनी शाह दोस्तों 4 ओवर 23 पे 1, 25 रन, 3-14-0, 3-26-0, 2-9-2, 2-11-0, 4-18-2 विकेट, डिसेंट पिक है, चाहो तो रख सकते हो, लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन तो हमेशा रहती है और लास्ट मैच में ये बैटिंग से पॉइंट्स दी थी, तो हो सकता है इनको बैटिंग से भी प्रमोट किया जाए, तो ट्राई कर सकते हो स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। नीचे कुछ खास है नहीं दोस्तों, अपनिंग बॉलिंग तनवीर, आदित्य हिंगो, ध्रुवी पटेल, डेथ में तनवीर, ध्रुवी और तेजस्विनी गाइस आपको करते हुए दिखेंगी।
ये इनके पास के रिकॉर्ड है प्लेयर्स के, चाहो तो आपके अकॉर्डिंग गाइस इनके रिकॉर्ड्स रिव्यू कर सकते हो। बीआरओ में से देखोगे तो प्रज्ञा रावत सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लास्ट मैच में ना टीम पता है कि ये फाइनल चली, ये टीम ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाइड है, तो इनको ना रेस दिया गया था। अदरवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है प्रज्ञा रावत इस टीम का और मेरी टीम का। 100% ये खेलने वाली है, मस्ट पिक होने वाली है दोस्तों। लास्ट मैच नहीं खेली थी, बट उससे पहले जब ओपन आए थे इन्होंने 9 और 36 रन का इनिंग्स खेला 3.1 ओवर में, 28-0, 4-14 पे 2, 4-19, 2, 4-1 में 16, 1 कंसिस्टेंट विकेट टेकर है। नेहा पटेल, मैं क्या प्रेफर करूंगा दोस्तों इस मैच में, प्रज्ञा रावत अगर खेलती है तो इनका ओवर कटेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उतना खास बैटिंग नहीं कर रही है दोस्तों नेहा, तो मैं शायद इनको ना लूँ, प्रेफर नहीं करूंगा मैं। लेना आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। 166 रन का इनिंग्स था जो टूर्नामेंट का पहला मैच था ना गाइस, उसमें इन्होंने 66 रन की थी। ये करिश्मा कदर भाई टैंक 52 रन 3 ओवर 21 रन 0 फिर उससे पहले 45 9 9 32 26 41। सबसे पहला बात, प्रज्ञा रावत खेलेंगी तो ओवर बॉलर आ जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता ये बॉलिंग करेंगी, बट अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो दोस्तों करिश्मा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ना आपको बैटिंग से अच्छी खासी पॉइंट्स देंगी, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपके लिए ना मस्ट हैव होगा। कौन दोस्तों? ये जो प्लेयर है ना करिश्मा कदर भाई टैंक, स्पेशली कब बैटिंग फर्स्ट। निधि धमानिया वेरी डिसेंट पिक, अगर खेलती है तो मस्ट पिक होना चाहिए, बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकती है, एवन स्टेट लेवल एक्सपीरियंस है, और दोस्तों ये ना टॉप ऑर्डर मतलब एज ओपनर भी प्ले कर सकती है, तो प्रज्ञा रावत नीचे खेलेंगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। निधि धमानिया अगर खेलते हैं तो मेरे टीम का डेफिनेटली गो टू पिक। जब इन्होंने खेला था तब 4-13, 5 रन, 4/0, 3 रन, 3/18, 0/18, 9 रन, 4 ओवर कंप्लीट है, 3 ओवर 2 मेड, 18, 3/5 रन, अच्छी फॉर्म में है दोस्तों ये, मिस मत करो। कुछ प्लेयर है जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, केशव प्रवीण भाई पटेल 15 रन 4/27 पे 0, 15 रन 3/25 0, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उससे पहले देखो 3 विकेट है 4/1 में 6, 3 4 ओवर में 11 रन पे 3 विकेट, 3.2 ओवर 12 रन 5 विकेट, 3 ओवर 14 3 विकेट, सबसे सेफेस्ट कैप्टन पी के दोस्तों केशव प्रवीण भाई पटेल, सबका टीम का, मेरे भी टीम का रहेंगे। रिद्धि मौर्या एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली इफ देखो ना बॉल फर्स्ट जरूर ले लेना। नूपा व्यास दोस्तों ग्रैंड लीग पीक है, सिंपल बात है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर को आप एक साथ नहीं रख सकते हो, तो लेना है तो कब लेना है दोस्तों नूपा व्यास को, अगर इस टीम का फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग हो रहा है, बॉलिंग सेकेंड हो रहा है इस टीम का दोस्तों, तो मैं प्रेफर करूंगा कि इनको अपना ड्रॉप कर दो, ठीक है मत लो, बट अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो ट्राई कर, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट होता है तो जरूर ट्राई करना, बट बैटिंग फर्स्ट में ड्रॉप रोटेट करने का रिस्क ले सकते हो। नीचे से कुछ प्लेयर्स है, लास्ट मैच में ये नहीं खेले थे, मुझे नहीं लगता इस मैच में खेलने वाली, अगर खेलेंगे भी तो ओवर कट होगा इनका, क्योंकि प्रज्ञा रावत जैसे सीनियर बॉलर बॉलिंग कर लेंगी। ओपनिंग बॉलिंग प्रज्ञा, रिद्धि, केशा, डेथ में रिद्धि प्रज्ञा केशा करते हो आपको देखेंगी। निधि अगर खेलती है तो ये भी डेथ में करने में कैपेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस टीम से दोस्तों कुछ प्लेयर्स है जिनके पास के रिकॉर्ड है, आप चाहो तो यहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स रिव्यू कर सकते हो गाइस, ठीक है। हम लोग चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में। गाइस फिलहाल मैंने ये टीम क्रिएट किया जहाँ पे हमारे कैप्टन है केशव प्रवीण भाई पटेल, वाइस कैप्टन है टी शेख, आर मौर्या, पी रावत, एम पोकर, ध्रुवी पटेल, टी शाह, हमारे पास है एस शेख, निधि धमानिया, कदर भाई टैंक और पी रावल। गाइस मैंने ये टीम क्रिएट किया, और इस मैच के रिलेटेड कोई भी और आपको अपडेट देना होगा या फिर मैंने अगर पर्सनली खेला तो डेमो टीम आपके साथ मैं ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आपको दोस्तों जुड़ना है टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो जुड़ जाना टेलीग्राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।